खबर है राजस्थान से। आपको बता दें कि राजस्थान के टप्पू कुड़ा कस्बे में हरियाली तीज के अवसर पर कस्बे के बाबर नरसिंह दास आश्रम जोहर मंदिर पर तीज मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में महिलाओं व बच्चों ने भाग लिया। बताया जा रहा है कि जोहर कमेटी के द्वारा झूलों एवं व्यंजनों के स्टालों की लगने की व्यवस्था की गई थी। जी आपको बता दें कि भजन मंडली द्वारा भजन कीर्तन साथ साथ राधा कृष्ण की नृत्य की झांकी आकर्षक केंद्र रही। बताया जा रहा है कि महिलाएं खासकर नवविवाहिता एक दूसरे से गले मिली और आपस में एक दूसरी महिलाओं को भीगे चने खिलाए। अपने भाइयों और पति व बच्चों की लंबी उम्र के लिए नवविवाहिताओं ने झाड़ियों में भीगे चने लगाए, एक दूसरी महिलाओं को चूड़ी बिंदी आदि भेंट कर अपने लंबे सुहाग की कामना की। इस अवसर पर नरेंद्र बाबूजी और डॉक्टर कौशिक, संजय यादव, मोनू गर्ग, डीडी सोनी, महेंद्र स्वामी, नवीन तायल और आशीष गुप्ता, बाबूलाल सेन और बिट्टू गर्ग सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। नरेंद्र कुमार गर्ग, रिटायर्ड टीचर, तीज मौसम मनाकर रेस्टोरेंट नरसिंह दादा बाबा आश्रम के हर वर्ष तीज का मेला बनता है, इसका विशेष महत्व रहता है। सारे गांव की महिलाएं आकर के यहां पर तीज माता की पूजा करती है, क्योंकि एक बड़ा बड़ा कस्बा हो गया है, यहां पर अब तीज खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। यहां की कमेटी वालों ने निर्णय करा कि जो है यहाँ पर ही मेला भरवाया जाए, जिससे सब माता बहनें आकर के यहाँ पर तीज माता की पूजा पाठ कर सके। सभी आते हैं, प्रसाद बढ़ता है, भजन कीर्तन होता है, बहुत बढ़िया माहौल रहता है। धन्यवाद।